मैं कूल नहीं क्योंकि मेरा नाम समर है, वो हॉट है, बहुत हॉट है। और सनम के लिए क्या कहे, मतलब भाई साहब आपके तो ना फैन फॉलोइंग यूट्यूब पे ही दिखा देती है, मैं क्या बोलू खुद पे। मतलब यार बहुत फैन क्या बोलू खुद पे, मैं सच्ची क्या बोलू खुद पे, बहुत अच्छा। तो बेसिकली बस हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो भी हो रहा है बस आ रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और नाम होता जा रहा है, ऐसा वाला है वो पता नहीं। बस चल रहा है। बट क्योंकि ये जो टाइम होता है, मेरे ख्याल से आपको साल का वो टाइम होता है जिसमें बहुत सारा ट्रैवलिंग होता है, सीजन टाइम मेजर टाइम है। इस टाइम में क्या होता है, कुछ फोकस होता है म्यूजिक पे कि अभी तो जो आप लोग के होता है, दोनों होता है। ट्रैवलिंग करते समय भी हम लोग म्यूजिक भी बनाते हैं और सोचते रहते हैं कि रिलीज क्या करना है, डिस्कस करते रहते हैं। हम सोचते रहते, सोचते रहते हैं रिलीज एक दो महीने बाद। लेकिन आप जो भी रिलीज करते हो सुपर डुपर हिट हो जाता है और बहुत ही प्यार मिलता है जनता का उसको, तो ऐसा मतलब कैसे कर लेते हैं हर बार ये जादू, कैसे मेंटेन रहता है हर बार छक्का पड़ता है, कुछ विराट कोहली टाइप फीलिंग नहीं आती आपको, सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं, कभी कभी चौका भी पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी एक रन भी होता है, आउट भी हो जाते हैं, तो सारे होते हैं, वो लाइफ है। लाइफ लाइफ छक्का पड़ता है तो आप सब नोटिस करते हैं वो सब? नहीं नहीं, हम सारे ही नोटिस करते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि हर बार यूजुअली छक्का पड़ ही जाता है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ ये कैसे करते हो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है यार हर चीज को, आप यू नो पीछे से वो जादू लेके आना उन गानों में, स्पेशली आवाज में वो डालना, और वीडियोस यार एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हम जो दिल से मतलब व्हाटएवर वी फील इन आवर हार्ट वी जस्ट डू। लास्ट टाइम मेरी आपसे जब बात हुई थी, तो आपने कहा था कि हम लोग कमेंट सेक्शन में जाके नीचे बहुत सारी बातें पढ़ते हैं और मतलब हेटरेड भी और उसमें जितना लव आ रहा है, सो डू यू रिएक्ट आल्सो नाउ कि अभी बिकॉज़ ऑफ? नहीं, वी डोंट रिएक्ट टू एनी ऑफ इट, हम जस्ट फॉर फन समटाइम्स। बस हम फन के लिए पढ़ते हैं एंड कभी कभी देखते हैं उसमें, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट मिल जाए, कुछ कमेंट से हम कुछ सीख जाए, क्या पता। जनरली पढ़ते हैं, बट कभी कुछ ऐसा कमेंट आया जिसको पढ़ के आपके जीवन बदलाओ? जीवन बहुत पहले बचपन में बहुत कमेंट आया ऐसे जिससे बहुत हमारा जीवन बदला है। और जवानी में कब जीवन बदला कोई ऐसा कमेंट आया हो? जवानी आप सो नहीं रहे आजकल? अरे सोच ली नहीं रहे, काम चल रहा है बहुत और ट्रैवलिंग है, आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, उसको हम नहीं करते। क्या बात कर रहे हो? वैसे आप चारों में ऐसा बोलो जो सबसे कम सोता है। सबसे कम सोता है? I think Venky. बहुत सोने में बहुत गिफ्टेड है वेंकी, मतलब गलत तो समझ बहुत ही खेलना ही नहीं है, छू के निकल गया वेंकी, ही कैन स्लीप एनीवेयर। ओके गलत छू लेता हूँ, अभी तो तार ठीक है ना, इंटरव्यू किया अब ये तो आप जानो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अभी आपने नया लेकिन यार एक बात बताओ, क्योंकि आप लोग हमेशा ऐसे गाने चूज करते हो जो ऑलरेडी मतलब यू नो कुछ गाने जिसको छूने से पहले भी लोग डरते हैं कि यार ये गाना छूने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इसको हम छुए या ना छुए, बिकॉज लोगों की उम्मीदें बहुत है और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे मतलब लोगों की उम्मीदों को पूरा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नो डाउट हमें बहुत प्रेशर है, और ये हमारा एक्चुअली प्रेशर एक गाने के बाद थोड़ा कम होता, वो था पहला जो रेंडिशन हमने निकाला था लग जा गले। लग जा गले तो भाई आई एम फैन, और एक और चीज आपको सुनाना था, एक बहुत स्पेशल चीज आपको सुनना। देखो मेरा नंबर है, मैं डाउन डायल करूंगा, नंबर भी बता दो 9839। ये सुनो, मैं मतलब ये सुनने के बाद मैंने कहा यार इससे ज्यादा तो और प्यारी चीज हो नहीं सकती। ये क्या है? ये जो है ना मतलब ऐसी चीज है कि मुझे सुनते ही ना लगा यार ये तो मेरे पास होना चाहिए, तो ये जो वही मैं बोल रहा था ना, तो वो जो छेड़छाड़ मतलब पब्लिक को लगता है कि ऐसे पॉपुलर और इतने लेजेंडरी गानों को छूने से पहले कि आपको थोड़ा सा डर होता है, इनहिबिशन होता है, ये सवाल डर तो होता ही है। मैं किस चीज से डरता नहीं हूं, आपको देख के लग रहा है समर कुछ कहना चाहते हैं? डर मुझे तो नहीं लगता, आप तुझे लगता है क्या डर के आगे?
लेकिन जो हम हमें गाने जो सुनते आ रहे हैं और जो ओल्ड सॉन्ग जो इतने ब्यूटीफुली कंपोज्ड और लिरिकली इतने अच्छे हैं, तो वो तो ये गाने तो हमें करना ही था क्योंकि बहुत हमारे दिल के क्लोज हैं। और मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जो अपनी यंग जनरेशन है उसको तो पता भी नहीं होगा कि प्यासा एक फिल्म कभी एग्जिस्ट करती थी, उसका एक गाना था। हमारा एक्चुअली डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा इंटेंशन है ये इन गानों को अपने साउंड में इंट्रोड्यूस करने का। हमें पता है कि हमें क्लैरिटी है कि हमें ये करना है, तो वहाँ पे अगर डर करते रहेंगे तो फिर वो फिर इवन प्रोडक्ट में उसका फिर रिफ्लेक्ट करेगा। कोई ऐसा गाना था जो आपको सोचा कि यार ये कर तो रहे लेकिन इसके अभी इतनी गारंटी नहीं की उतना चलेगा, बट सरप्राइजिंगली वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे गया। विजय करे जब पहला हमने आई थिंक दैट वाज अ फर्स्ट ओल्ड सॉन्ग फर्स्ट या फर्स्ट रेट्रो रेंडिशन दैट वी डिड, बट हम इतना सोचा नहीं था कि चले नहीं चले, हम बस कर रहे थे जो हमें अच्छा लग रहा था करने में। दुआ भी ऐसा था, दुआ जब हमने रिलीज किया था वी वरंट एक्चुअली दैट हैप्पी विद द वीडियो एंड इट डिडंट डू टू वेल आल्सो। पहले इट वाज जस्ट रनिंग वेरी नॉर्मली, एक साल के बाद ऐसे कुछ हुआ सडनली एकदम से। वैसे तुम लोगों को कभी किसी ने बोला ये बात की जैसे जब भी हाउस पार्टीज होती है जब हो जाता है माहौल बन जाता है उसके बाद सनम ही चलता है? हां ये मैंने सुना है, मैंने मुझे लगता है न्यू एज टाइम के बहुत बहुत मच बेटर वो जो पंकज उदास दिल चले बैठे हैं पंकज उदास लाइक चिट्ठी आई ऑल दैट बट लेकिन बट हाउस पार्टी जानो भाई ये बात तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं मुझे भी पता है क्योंकि आई हैव फ्रेंड्स हु हैव टोल्ड मी हे आई लाइक दिस सॉन्ग वी प्ले इट इन आवर पार्टी लाइक रियली ये है पार्टी खत्म हो जाती है। जागरे के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो जागरे के फिर ये हसी क्योंकि ये पहला गाना जो मैंने लाइफ में सीखा था वो जाने को कैसे था जब मैं 6 साल का था, तो इसलिए वो गाना स्पेशल था, तो एक चूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यार ये कैसे कर लेते, मतलब 6 साल में जाने वो कैसे लोग तो जी आई जो से खेले मतलब जाने वो कैसे के लिए मेरे को 2 ब्रेकअप की जरूरत पड़ती है उस गाने को सुनने और समझने के लिए एटलीस्ट। उस टाइम एक्चुअली मेरे को गाने की मेलेडी बहुत शुरू से पसंद थी तो और इसलिए स्पेशल था और पापा ने इंट्रोड्यूस कराया था इस गाने से, तो
तो फिर हार मानने के लिए चांट पड़ेंगे। पार्टीज होती थी जैसे घर पे, या हम किसी के घर जाते हैं तो तब हमें बोलते थे कि गाना गाओ बेटा, गाना गाओ, जहाँ भी जाओ गाना गाओ। तो जाने वो कैसे पहला गाना गाना था जो हम गाते थे, इवन सनम गाता था स्कूल में भी गवाते थे। तो सोचते नहीं थे कि इंसान हूँ कभी मशीन नहीं, मुझे भी जब बच्चे को एग्जीबिशन पे लगा देते घर वाले, चलो बेटा एग्जीबिशन हाई करके दिखाओ अब इनको, जाए या तो गाना गाओ तो डांस डांस मतलब बच्चे का फुल ऐसे एग्जीबिशन लगा प्रगति मैदान बना देते उसका। बट आप चूज करने का वो बता रहे थे, कैसे चूज किया इसको? तो ये तो इसलिए चूज हुआ कि हमें हमेशा, मुझे हमेशा से था कि गाना करना ही करना है, तो सबको पता था कि गाना मुझे पसंद है, तो फिर हम सबको पसंद था गाना, तो फिर हमने कर लिया ये। इसलिए बहुत टाइम से एक्चुअली प्लान करा था ये, तो हमने सोचा जो हमारा लिस्ट था जो हमने गानों का जो बनाया था उनमें से लास्ट सॉन्ग हमारा यही रह गया था, सोचा कि इसको टाइम देंगे आराम से, क्योंकि इतना आसान गाना नहीं था, इस पे काम करना बिल्कुल आसान नहीं था। और कुछ वीडियोस जो पिछले वीडियोस थे उसके एक्सपीरियंस, उसकी गलती, उससे सीख के बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनेस्टली ये पुराने गानों पे काम करना हमारे लिए वैसे भी आसान इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो मेलोडी को समझना, वो लिरिक्स को समझना, वो इमोशन डालना, उसको इवन उसका नया रेंडेशन बनाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनमें काम किया गया है, बहुत इमोशन डाला गया है, तो उस लेवल पे पहुंचना, वो धीरे धीरे हमें समझना किस जोन में कैसे लेके जाए अपना साउंड कैसे देंगे, और मेलोडी को भी उस तरीके से लेके जाना, ये बहुत बड़ी बिल्कुल। और वो सोल लूज ना हो गाने का, जो असली सोल है, जिस जो लोगों को पसंद था वो लूज नहीं हो, और हमने वो कायम रखा। और आई होप कर रहे सनम, ये क्योंकि अभी जो जमाना है वो रिक्रिएशन का ज्यादा है, मतलब अभी क्योंकि मैं देखता हूँ बॉलीवुड में कोई भी मूवी आ रही है तो एक नया सॉन्ग उसमें, 2017 का सबसे बड़ा गाना भी हम्मा हम्मा है, मतलब सॉन्ग ऑफ द ईयर भी हम्मा। आप लोग को कभी ऐसा ऑफर नहीं आता कि भाई मेरे लिए वो वाला गाना ऐसा करके गा के चिपका दो और ऐसा कुछ, या जल्दबाजी में कभी आपने कुछ काम के लिए डिसीजन लिया हो? जल्दबाजी तो हुआ है नो डाउट, बट हमने किसी तरह उसको भी करके बस रिलीज करे, बट लकीली हमने जो पुराने गाने उनको जल्दबाजी में नहीं करे, बाकी गाने शायद से कर लिए होंगे क्योंकि उनमें इजियर था काम करना, बट पुराने गानों पे हम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो क्वालिटी पे। तो देखिए आपने इतनी मेहनत करी तो फिर जल्दी से बनता है, मतलब हमारे लिए जरा गुनगुना दे कौन सा गाना। अरे रे 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 मैं कान खोल नहीं पाऊंगा, सुना भी आके शुरुआत अगर गुलाबी आंखों से करनी है और फिर होते हुए अपना दिल आवारा से लेते हुए फिर ऐसा ट्रैक घुमा के ना, तो मेरे महबूब और उसके बाद फिर हाँ हाँ तो सुबह तक की बात है। जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।